नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। महिंद्रा पिकअप गाड़ी में बर्बरता से बांधी गई ये गाय और नंदी आज तड़के करीब 3 बजे वल्लभगढ़ की आदर्श नगर पुलिस ने बरामद की है। इन गौवंशों को गौकशी के लिए दिल्ली से मेवात की तरफ ले जाया जा रहा था। सूचना मिली तो गौरक्षकों ने इनका पीछा शुरू कर दिया और इसकी जानकारी पुलिस को भी दे दी। गौरक्षकों पर महिंद्रा पिकअप गाड़ी में सवार बदमाशों ने पथराव किया। वल्लभगढ़ पहुंचने पर गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी फुटपाथ पर जा चढ़ी। मौका पाकर गौ तस्कर फरार हो गए। मामले की जांच कर रहे हरियाणा पुलिस के सहायक उपनिरीक्षक होशियार सिंह की माने तो उन्हें सूचना मिली थी कि एक गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ी हुई है, तो सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई। वहां पहुंचकर देखा कि महिंद्रा पिकअप गाड़ी में गायों को बड़ी बर्बरता से बांधा हुआ है। गाड़ी में 4 गाय और 2 नंदी थे। पुलिस ने गौवंश को वल्लभगढ़ ऊंचा गांव की नंदी ग्राम गौशाला में भिजवा दिया है। पुलिस की माने तो गाड़ी से काफी पत्थर और एक कट्टा बरामद हुआ है। पुलिस जांच कर रही है और जल्दी इस घटना के संबंध में उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं गौरक्षक शिवा दहिया की माने तो ये गाड़ी दिल्ली से मेवात में गौवंश को भरकर गौ तस्करी के लिए ले जा रही थी। कल भी इसी गाड़ी में सवार गौ तस्करों ने उन पर पथराव किया था और फायर भी किया था। आज वो लोग खेड़ी पोल चौक पर नाका लगाकर बैठे थे कि उन्हें सूचना मिलते ही उन्होंने इनका पीछा शुरू कर दिया। उनकी माने तो आज भी बचने के लिए उन्होंने उन पर पथराव किया। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता विकास ओहल्यान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? गौ सेवक शिवा दहिया। शिवा जी, गाय से बढ़ी हुई गाड़ी रेक्सू की है पुलिस के साथ, क्या था ये पूरा मामला? ये गाड़ी गौ तस्करों की है, महिंद्रा पिकअप, और आज इसमें 6 गौवंश हैं। कल भी ये हमारे हाथ से खेड़ी पुल पर से भागी थी। कल इसमें गौवंश भरे हुए थे और कल इसने पथराव किया था हमारे ऊपर, पथराव किया था और 2 फायर किए थे, वहाँ से भाग गई थी। आज फिर से हमारा नाका खेड़ी पुल पर ही लगा हुआ था और कुछ हमारी टीम बल्लभगढ़ में घूम रही थी। बल्लभगढ़ वाली टीम ने जैसे ही गाड़ी को देखा वो पीछे लग गए और हमारे पास कॉल आ गई। कॉल आते के साथ ही हमारी टीम जो खेड़ी पुल पर नाका लगा कर खड़ी हुई थी वहाँ से निकल गई। तो जब इन्होंने पीछा किया, पथराव आज भी जो तस्कर थे गौ तस्कर थे, इन्होंने टीम पर किया था, टीम के कुछ हमारे साथी थे उन पर आज भी पथराव किया था। किस तरफ से गाड़ी आ रही थी और कहाँ ले जा रहे थे पशुओं को? ये दिल्ली की तरफ से भर के आती थी गाड़ी और मेवात की तरफ जाती थी। तो रेस्क्यू क्या है, पुलिस के साथ कितने लोग हैं, कितने पशु इसमें रेस्क्यू के दौरान? इसमें टोटल 6 गौवंश निकले हैं, 4 गाय और 2 नंदी। पशुओं को कहाँ छोड़ा गया है? नंदी ग्राम गौशाला ऊंचा गाँव में। तो क्या कहेंगे इतना बड़ा रेस्क्यू के, लगातार फरीदाबाद में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, उनका अंकुश नहीं लग पाता या पुलिस का डर नहीं है, क्या वजह है ऐसी? गौ तस्करों को पुलिस का डर तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गौ तस्कर खुद पुलिस में टक्कर मारकर भाग जाते हैं और गौ सेवक प्रतिदिन अपना कार्य करते हुए डेली गश्त भी कर रहे हैं। गौ तस्करों गाड़ी पकड़ी भी जाती हैं बहुत सारी, और अब ज़्यादा से ज़्यादा हम तो यही कह सकते हैं पुलिस से भी कि अपना इस पर थोड़ी सख्ती बरतें और गौ तस्करी को हो सके तो कम कराएं। कुछ रेस्क्यू के दौरान कुछ हथियार वगैरह भी कोई बरामद पुलिस को? एक देसी तमंचा और पत्थर मिले हैं और बियर की खाली बोतलें मिली हैं। तो गाड़ी बरामद कर ली है पुलिस ने? हाँ, गाड़ी बरामद कर ली है। क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से चल रही है? अभी थाने में लाकर गाड़ी खड़ी करी है, खाली करवा कर वहाँ पर अब FIR कराएंगे, मुकदमा दर्ज कराएंगे उनके नाम। किस थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये मामला आ रहा है? आदर्श नगर थाना बल्लभगढ़। सर, क्या शुभ नाम, क्या डिटेल्स है आपके? मैं ASI होशियार सिंह, आदर्श नगर थाना बल्लभगढ़ से हूँ। सर, गाय से भरी गाड़ी को रेस्क्यू क्या है, क्या था ये सर पूरा मामला? हमारी राइडर से एक सूचना मिली SHO मोबाइल को, जो गश्त में थी, कि एक एक्सीडेंट में एक पिकअप गाड़ी रोड पे खड़ी हुई है जिसका डिवाइडर पे चढ़ी हुई है। जिसको जाके वहां देखा मौके पे तो उस गाड़ी में, पिकअप में गाय बंधी पड़ी थी, जिनको रेस्क्यू किया गया, वहां से ले जाकर मौके से हटाया गया, रास्ता खुलवाया गया और नंदी ग्राम गौशाला ऊंचा गांव में गायों को छुड़वाया गया। निकालने पर कुल 6 गाय थी, जिनमें से 4 गाय और 2 नंदी निकले हैं। सर, कुछ पथराव भी हुआ है गौ सेवक और तस्करों के बीच में, क्या था ये? पथराव के बारे में सूचना नहीं है, बाकी अभी इसमें गाड़ी का चेक किया तो उसमें पत्थर और बियर की बोतलें मिली हैं जी। तलाशी लेने पे एक देसी कट्टा मिला है। तो कहाँ से गाड़ी आ रही थी और सर कहाँ ले जा रहे थे? ये दिल्ली की तरफ से आ रही थी और शायद पल्लवल की तरफ जा रही थी। तो कौन से थाने का मामला है सर? ये आदर्श नगर थाने के क्षेत्राधिकार का मामला है। तो सर, किस प्रकार की कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ की जाएगी? जांच की जा रही है, जैसे ही
गाड़ी के बारे में जो कुछ पता चलता है नियम अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाए। ठीक है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।